चलिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सबसे पहली चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हिस्ट्री के बारे में जो हम लोग पढ़ चुके हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वॉज द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर नेशनलाइज्ड बैंक विच स्टार्टेड वर्किंग आफ्टर इंडिपेंडेंस। 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था, जो पहला पब्लिक सेक्टर नेशनलाइज्ड बैंक था। जब हम नेशनलाइज्ड बैंक बोलते हैं तो बहुत सारे लोगों ने किताब से या कहीं से आंसर लिख दिया है, मैं क्लैरिफाई कर देता हूं बहुत आसान भाषा में। नेशनलाइज्ड बैंक का मतलब होता है वो राष्ट्रीयकृत बैंक जिसकी पूंजी का 50% से ज्यादा हिस्सा भारत सरकार के पास हो, जिसकी कैपिटल, जिसकी इन्वेस्टमेंट का 50% पोर्शन या उससे ज्यादा पोर्शन भारत सरकार के पास हो, उसको राष्ट्रीयकृत बैंक बोलते हैं। तो 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। कैसे, हमको पहले से पता है, फिर भी एक छोटी सी जर्नी उसकी हम देख लेते हैं। 1806 में बैंक ऑफ कैलकटा बनाया गया और 1921 में बैंक ऑफ बंगाल और बैंक ऑफ मद्रास के साथ बैंक ऑफ बॉम्बे को एमलगमेट कर दिया गया, मतलब मिला दिया गया आपस में, और उससे एक नया बैंक बनाया गया जिसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1920 में। तो बैंक ऑफ कैलकटा को बाद में बैंक ऑफ बंगाल बनाया गया, 1840 के आसपास बैंक ऑफ मद्रास बनाया गया, और मेरे ख्याल से 1855 या 1850 के आसपास आई थिंक बैंक ऑफ बॉम्बे बनाया गया। और इन तीनों को 1921 में मर्ज कर दिया गया, आपस में मिला दिया गया, एमलगमेट कर दिया गया टू फॉर्म इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। आजादी के बाद 1955 में भारत सरकार ने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के जो एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक था उसको पब्लिक सेक्टर का बैंक बनाया, उसके सारे 50% से ज्यादा शेयर्स खरीदे और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उसका नाम रखा। पहला बैंक है और सबसे बड़ा लार्जेस्ट बैंक है। कैसे सबसे बड़ा लार्जेस्ट बैंक है ये भी हम पढ़ने की कोशिश करें। इसमें एक बहुत खास चीज है कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1806, व्हिच मींस लगभग 214 साल की हिस्ट्री है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। एंड इन दीज 214 इयर्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज रिमेन्ड प्रॉफिटेबल, लगातार प्रॉफिट कमाने की कैपेसिटी बनी रही है, उसकी क्षमता जो प्रॉफिट कमाने की है वो बनी हुई है। दिस इज ऑल्सो वन वेरी यूनिक फीचर, वन ऑफ दी ओल्ड बैंक्स इन द वर्ल्ड, जो इंपीरियल बैंक के नाम से रहा बीच में, उसके पहले तीन अलग अलग प्रेसिडेंसी बैंक्स थे, और उसी तरह से 200 साल उसने कंप्लीट किया और अब वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का विजन है, जो उसका विजन स्टेटमेंट उसकी वेबसाइट पर है, वो है बी द बैंक ऑफ चॉइस फॉर अ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये इन्होंने बी द बैंकर टू एवरी इंडियन, उनका एक पंचलाइन होती थी जिसको विजन भी बोलते थे वो लोग, उसको चेंज किया जब इन्होंने 2018 में इनका मर्जर हो गया इनकी चार सब्सिडरी बैंकों के साथ। राइट, मैंने आप लोगों को बताया था कि 2018 में, सॉरी 2016 में चार सब्सिडरी बैंक होते थे स्टेट ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सब्सिडरी एक्ट 99, उन चारों बैंकों का मर्जर इसमें कर दिया गया। स्टेट बैंक ऑफ ट्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर इन जयपुर एंड बीकानेर इन जोधपुर आई थिंक, एंड एक नाम है शायद स्टेट बैंक ऑफ मैसूर। इन चार बैंक का मर्जर कर दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। पहले ये चार बैंक इसकी सब्सिडरीज थी और उन चार नामों से चलती थी। 2016 में उन चारों बैंक्स को मिला दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में और एक ही नाम कर दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देयर वाज नो सेपरेट नेम। तो बी द बैंक ऑफ, आपको पता, भारत की सरकार है, उसने एक विजन दिया था कि वो इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना चाहती है इनटू न्यू इंडिया, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया करके, न्यू इंडिया करके कैंपेन स्टार्ट किया था। उसी के अंडर प्रोवाइडिंग सिंपल इनोवेटिव फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, जो बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एक बेसिक गोल होता है, वही इनका मिशन है, दैट दे वांट टू प्रोवाइड सिंपल रिस्पॉन्सिव एंड इनोवेटिव फाइनेंशियल सॉल्यूशंस। इंडिया इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रूरल, सेमी रूरल, सेमी अर्बन एंड अर्बन लोकैलिटीज। भारत में आप जाएंगे तो पूरे तरीके से ग्रामीण इलाका है, जहां पर बैलगाड़ियां चलती हैं अभी भी, जहां
जहां पर ट्रैक्टर कम है, जहां पर पंप के थ्रू सप्लाई होती है पानी की, इरिगेशन को नहर बना करके काम चलाया जाता है, किया जाता है प्योरली रूरल एरियाज, ठीक है, जहां पर एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन, मेन टाइप ऑफ बिजनेस और व्हाटएवर इट इज. सेकेंडली सेमी रूरल एरियाज हैं जो सेमी अर्बन एरियाज से कनेक्ट करते हैं, जैसे बहुत सारे गांव दिल्ली के साथ लगते हुए आपको नजर आएंगे, तो वो सेमी रूरल एरियाज हैं जहां पर कुछ बिजनेसेस भी चलते हैं, कुछ फैक्ट्रीज भी हैं, लेकिन एग्रीकल्चर रिमेन्स 50% प्राइमरी सोर्स ऑफ अर्निंग एग्रीकल्चर रहता है. ऐसे इंडिया में बहुत सारे सेमी अर्बन एरियाज हैं जो बड़े शहरों से बिल्कुल लगे हुए, सटे हुए या नजदीक, या कुछ टीयर टू सिटीज इंडिया के अंदर डेवलप हो रही है, राइट, उन शहरों को आप जो है सेमी अर्बन एरियाज कहते हैं. जैसे नासिक महाराष्ट्र में एक शहर है जिसको सेमी अर्बन एरिया बोला जाता है, जिसमें काफी कुछ खेती भी होती है, ग्रामीण इलाका भी है, हाईवेज बहुत अच्छे बन गए हैं, फैक्ट्रीज खुल गई हैं, कंपनीज खुली हुई हैं, और उसको जो है आप कनेक्ट करते हैं विद अदर पार्ट्स ऑफ द, जैसे आप जाएंगे अगर कर्नाटका में, किसी ने सुना हो तो हुबली एंड धारवाड़ ट्विन सिटीज कही जाती है, ये दोनों अब सेमी अर्बन एरियाज बन गए हैं. और फाइनली और अर्बन एरिया जो आपके प्योरली शहर कहलाते हैं, जिसमें ज्यादातर पोर्शन जो है इज कैप्चर्ड बाय फैक्ट्रीज, कॉर्पोरेट्स, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, बिजनेसेस एंड वेरी लेस एग्रीकल्चर, वेरी लेस ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक. तो इस तरीके से यहां पर आप देखेंगे कि मिशन क्या है, प्रोवाइडिंग सिंपल एंड रिस्पॉन्सिव इनोवेटिव फाइनेंशियल सॉल्यूशंस. सिंपल इसलिए बोला गया है क्योंकि इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, इन टर्म्स ऑफ डेमोग्राफिक्स, इतनी डाइवर्सिटी है कि प्योरली रूरल से लेकर के अर्बन के बीच में तीन और लेयर्स आती हैं. तो हर किसी को अगर सॉल्यूशन देना है तो आपको साधारण तरीके से समझ में आने वाला फाइनेंशियल सॉल्यूशन देना होगा. अगर आप गांव में जाकर के म्यूचुअल फंड एक्सप्लेन करेंगे किसी को, तो किसी को समझ में नहीं आएगा गांव में, उनको सिंपल सेविंग्स बैंक या पोस्ट. व्हाट इज दिस नॉइस यार? ओके, तो इसलिए जो है मिशन इसका इस तरीके का है. वैल्यूज मतलब क्या, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने आप को किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन दिखाता है एज अ बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन. देखिए, बैंक के पास लोगों का पैसा होता है, तो इस दुनिया में सबसे ईमानदार इंस्टीट्यूशन माना जाता है कि बैंक होगा, सबसे ईमानदारी से बैंक डील करेगा, क्योंकि लोगों की मेहनत की कमाई बैंक में होती है. क्योंकि जो लोग अमीर होते हैं वो इकोनॉमी के केवल 20% लोग होते हैं, 80% लोग बहुत मेहनत करते हैं और पैसा कमाते हैं. अमीर लोग केवल 20% होते हैं, कैपिटलिस्ट केवल 20% होते हैं कंट्री के अंदर, बाकी 80% लोग का पैसा जो है वो इन बैंक्स में होता है. तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि बैंक के पास हाई क्वालिटी ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, हाई क्वालिटी ऑफ ऑपरेशंस होनी चाहिए, हाईएस्ट लेवल ऑफ एथिक्स होने चाहिए. तो उन्होंने अपनी वैल्यूज डिफाइन करी है कि दे वांट टू प्रोवाइड सर्विस, दे वांट टू प्रोवाइड सर्विस विद फुल ट्रांसपेरेंसी, दे वांट टू होल्ड देमसेल्व्स इन हाई एथिक्स, सब पोलाइटनेस. ऑब्वियसली कस्टमर सर्विस का सबसे खूबसूरत फीचर पोलाइटनेस होता है. और सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये होता है लगातार अपने आप को जिंदा रखना और आगे सर्वाइवल करते रहना और प्रॉफिट कमाते रहना. दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबिलिटी इन बिजनेसेस. मैं रिपीट कर देता हूं, सस्टेनेबिलिटी इन बिजनेस का मतलब होता है लगातार अपनी एग्जिस्टेंस को बनाए रखते हुए, सर्वाइवल को बनाए रखते हुए प्रॉफिटेबिलिटी बनाते रखना, प्रॉफिट कमाते रहना. नहीं तो आपके बैंकिंग इंस्टीट्यूशन होने का कोई फायदा नहीं. आप लोगों के सामने था यस बैंक, धीरे धीरे करके 2018 से मार्च 2020 तक कोलैप्स कर जाता, खत्म हो जाता, उसके सारे डिपॉजिट खत्म हो जाते, लोगों के पैसे भारत सरकार ने मदद की, स्टेट बैंक इंडिया आगे आया 48% और उसको सस्टेनेबल बनाने का एक सोल्यूशन दिया. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सस्टेनेबल रहे. कोई भी चीज आप अपनी लाइफ में करते हैं तो उसके पीछे अगर कभी वर्ड लिखा हो सस्टेनेबल, या कोई पूछे कि सस्टेनेबल होना,
इसका मतलब वो सस्टेन कर सके, वो एग्जिस्ट कर सके, प्लस वो इसी मॉडल पर 100, 200, 400 साल तक काम करें। तो आप देखिए जो भारत सरकार है या राज्य सरकारें हैं, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सिंपल सॉल्यूशन है, इस तरह से डिजाइन किया गया है, इस तरह से बनाया गया है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, प्राइवेशन, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन सब एक सिस्टम की तरह से हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं। जिससे भी ये सिस्टम बनाया नया उसने स्टेट ऑफ द दिमाग रहे नेशन हो, हर आदमी अपनी ओके अब आप लोगों को आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये आप लोगों को ये विजन, मिशन और वैल्यूज बताई, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहला बैंक था एक तरीके से इंडिया का, पब्लिक सेक्टर, सरकार ने बहुत प्लान्ड तरीके से उसको टेक ओवर किया, नेशनलाइज्ड बैंक बनाया पहला, और आज की डेट में वो सबसे बड़ा बैंक इसीलिए है क्योंकि सरकार ने सबसे ज्यादा रिसोर्सेज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को शुरुआत में दिए ताकि वो जितना ज्यादा ग्राउंड कैप्चर कर सके, पॉसिबल हो इंडिया में कैप्चर कर सके, इसलिए नहीं कि उसको प्रॉफिटेबल बनाया जाए, इसलिए कि सब लोगों तक बैंक की सर्विसेज पहुंचे। जितनी जल्दी किसी भी कंट्री के अंदर, क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद आपके हाथ में आ जाती है कमान, इंडिपेंडेंस से पहले कोई दूसरा राज कर रहा था हमारी कंट्री, तो सरकार की जिम्मेदारी थी कि जितनी जल्दी फाइनेंशियल सर्विसेज लोगों तक, लास्ट आदमी तक पहुंच जाए हिंदुस्तान के अंदर, उतनी जल्दी आपके कंट्री में डेवलपमेंट पेस पकड़ता है, उतनी तेज डेवलपमेंट होता है, नॉलेज बढ़ती है आपकी, सेविंग्स बढ़ती हैं। और मैं पहले भी आप लोगों को एक बार बता चुका हूं, हम लोगों की स्मॉल सेविंग्स की वजह से इस कंट्री में कई बार जो इकोनॉमिक क्राइसिस आए उसको हिंदुस्तान की इकोनॉमी सस्टेन कर गई, चाहे हमारे घर में सेविंग्स रखी हो, चाहे हमने बैंक्स में सेविंग्स रखी, बहुत सस्टेन किया हम लोगों ने। 2008-09 में भी जबरदस्त इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे हिंदुस्तान में, तो ये हिंदुस्तान के फाइनेंशियल सेक्टर की और घर में जो हाउसवाइफ्स होती हैं, हमारी मदर्स होती हैं, कई लोगों की मदर्स काम करती हैं, कईयों की मदर्स काम नहीं करती, जो नहीं काम करती है वो तक सेव करती हैं घरों, आप सबको पता होगा। तो ये जो सेविंग की हैबिट है हिंदुस्तान के अंदर, ये बहुत पहले से है, आज से नहीं, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी हैव सर्वाइव्ड, वी हैव सस्टेन्ड, आवर इकोनॉमी हैज सस्टेन्ड द बैड मोस्ट शॉक्स ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस। दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस हुए उसका झटका हमने महसूस किया, लेकिन हमें परेशानी कम हुई। इस बार हमें बहुत परेशानी हो रही है, इस वक्त जो ये वक्त चल रहा है, लॉकडाउन लग गया, उसके ऊपर कोरोना हो गया, उसके ऊपर डिमांड खत्म हो गई मार्केट के अंदर, लोग मार्केट के अंदर जाने से डर रहे हैं, जो कस्टमर हैं आपके जैसे, मेरे जैसे लोग कंज्यूमर्स हैं, वो सामान नहीं खरीदना चाह रहे हैं, बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली गई हैं, कोई डेटा नहीं है लेकिन जॉब्स चली गई हैं,
कई लोग जॉब कर रहे हैं, सैलरी नहीं मिल रही है। मेरे पास एग्जांपल्स हैं, मेरे दोस्त हैं जो चार चार पांच पांच महीने से नौकरी पे लगातार जा रहे हैं, दे हैव बीन टोल्ड सैलरी मिलेगी बट नहीं मिल रही, क्योंकि अर्निंग नहीं है कंपनी के पास, कहां से आपको सैलरी देगी। हर कंपनी, हर चीज जो है, केवल बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर ऐसे हैं जो बहुत अच्छे चल रहे हैं, जहां पर एम्प्लॉइज को सैलरी मिल रही है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर तो बंद ही नहीं हो सकता, एसेंशियल सर्विसेज है। तो इसको हमें समझने की जरूरत है कि सस्टेनेबल होना चाहिए कोई भी आइडिया, इसलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश किया गया, इसलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सस्टेनेबल आइडिया है। और क्यों सक्सेसफुल है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसके पीछे कहानी ये है। 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कैपेसिटी नहीं थी किसी को 10,000 करोड़ का लोन देने की, आज है। ये बात जो है इतने साल की मेहनत के बाद अब समझ में आती है कि क्यों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सक्सेसफुल है इन ग्रांटिंग अ लोन ऑफ 10,000 करोड़ रुपीज टू एन एंटरप्रेन्योर। एक एंटरप्रेन्योर को, एक उद्यमी को, एक बिजनेस लगाने वाले को इतना बड़ा लोन देने की कैपेसिटी रखता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर समझिए, कॉर्पोरेट ऑफिस बॉम्बे में है, इसके चेयरमैन है श्री रजनीश कुमार, इसके चेयरमैन है श्री रजनीश कुमार जो कि इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है। इसके अलावा चेयरमैन इज सपोर्टेड बाय 4 मैनेजिंग डायरेक्टर्स एंड 16 डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर्स। 4 मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं जो अलग अलग तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालते हैं, जैसे चीफ फाइनेंस ऑफिसर होता है बैंक के अंदर, चीफ क्रेडिट ऑफिसर होता है, इस तरीके की 4 जिम्मेदारियां ये 4 MD संभालते हैं, और 16 डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर्स। जनरली ये जो 4 MDs मैं बोल रहा हूं, इन्हीं में से कोई एक अगली बार MD बन जाता है, CMD बन जाता है, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। किसी ने पिछले 2-3 दिनों में अखबार में कोई न्यूज पढ़ी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के MD के बारे में? वैसे तो आजकल अगर आप न्यूज चैनल मोबाइल में भी देखते होंगे तो वो रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत ही आता है, इस तरीके की पढ़ाई लिखाई की खबरें तो छोटी छोटी जगहों पर कहीं पर आ जाती हूं तो आ जाती हूं, बट आई थिंक अगर कोई न्यूज पेपर पढ़ता है तो न्यूज पेपर में तो आता है। किसी ने पढ़ा है कोई न्यूज, एनी न्यूज अबाउट द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? नो आइडिया, ओके आई टेल यू। डोमेस्टिक ऑपरेशंस एरियाज आर डिवाइडेड इन 14 सर्कल्स, 14 सर्कल्स पूरे इंडिया में आइडेंटिफाई किए, सर्कल बोला है उसको, और हर सर्कल के अंदर एक हेड ऑफिस बनाया है। तो एक जो मेन हेड ऑफिस है बॉम्बे में जिसको कॉर्पोरेट ऑफिस बोलते हैं मुंबई में, उसके अलावा उसको रिपोर्ट करने वाले 14 सर्कल हेड ऑफिस बनाए, और हर सर्कल हेड ऑफिस को एक चीफ जनरल मैनेजर हेड करता है, चीफ जनरल मैनेजर, ठीक है। और इस लोकल हेड ऑफिस या सर्कल हेड ऑफिस को जोन सपोर्ट करते हैं, और इंडिया में टोटल 85 जोनल हेडक्वार्टर्स बनाए गए, पूरे इंडिया में 85 जोनल हेडक्वार्टर्स बनाए गए। एवरी जोनल हेडक्वार्टर हैज वन रीजन अंडर इट, हैज वन रीजन अंडर इट, एंड ब्रांचेस आर अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द रीजन। तो ये जहां तक मेरे को जानकारी है लगभग 375 रीजन्स हैं जो इंडिया के अंदर क्रिएट किए गए हैं, और ब्रांचेस जो हैं इन रीजन्स के अंदर में आते हैं। अभी हम ब्रांचेस के बारे में भी पढ़ेंगे, सब काफी जानकारी इसके अंदर हमको निकल के आएगी। व्हाट इज द फंक्शनिंग ऑफ SBI? सबसे पहला ट्रेजरी, कैश को मेंटेन करना इज द मेजर जॉब दैट इट डज, कैश मेंटेन करना। सेकेंडरी, कॉर्पोरेट एंड होलसेल बैंकिंग, वो लोगों के साथ डीलिंग करना, उन कॉर्पोरेट्स के साथ डीलिंग करना जो बहुत बड़े अमाउंट में डील करते हैं, जैसे भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट्स, बिग कॉर्पोरेट्स जिनके सैलरी अकाउंट्स हो सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, एम्प्लॉइज जिनको सैलरी मिल रही है। तो मान लीजिए 1 तारीख को अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सैलरी देती होगी अपने एम्प्लॉइज को, तो कितना कैश इनफ्लो होता होगा उनके पास, सम लैक्स ऑफ क्रोर्स। भारत सरकार में इस वक्त मेरे ख्याल से अराउंड 95 लाख या 90 लाख के आसपास लोग काम करते हैं। एवरेज सैलरी अगर उनकी 1 लाख रुपए भी है तो मल्टीप्लाई 90,000 विद 1 लाख, 9 लाख करोड़। तो ये सैलरी वो हर तारीख को 1 तारीख को देती है ना, है ना, 9 लाख करोड़ होगा। तो इतना पैसा जो है एक हर
महीने की एक तारीख को वो ट्रेड करती है। तो दिस इज कॉल्ड होलसेल बैंकिंग, जहां पर बहुत बड़े अमाउंट्स में, सिग्निफिकेंटली लार्ज अमाउंट्स में डीलिंग होती है, उसको ये कॉर्पोरेट एंड होलसेल बैंकिंग कहते हैं। रिटेल बैंकिंग हम जैसे कस्टमर्स के लिए होती है, फुटकर बैंकिंग बोलते हैं इसको। स्मॉल अमाउंट्स में डील करने वाले, स्मॉल स्कीम्स में इन्वेस्ट करने वाले, सेविंग्स अकाउंट खोलने वाले, रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट, इस तरीके की चीजों को ये लोग रिटेल बैंकिंग में कहते हैं। अदर बैंकिंग सर्विसेज, अदर बैंकिंग सर्विसेज में मैंने आपको बताया था प्राइम जो अदर फंक्शंस हैं बैंक के, ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह, एजेंसी फंक्शंस, कलेक्शन ऑफ चेक्स, पेमेंट्स ऑफ चेक्स, डीलिंग विद अदर बैंक्स ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एटसेट्रा। दिस इज व्हाट इज द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मेजर इन जो ट्रेजरी, कॉर्पोरेट बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग, अदर बैंकिंग में जो मेजर काम है वो है डिपॉजिट्स, लोन्स एंड एडवांसेस, रेमिटेंसेस एंड कलेक्शंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट तीन काम वो करती है इन ट्रेजरी, इन कॉर्पोरेट बैंकिंग, इन रिटेल बैंकिंग एंड अदर बैंकिंग। ठीक है, ये जरा एक बार इंपॉर्टेंट फोटोग्राफ है, इसको ध्यान से देखिए। इसमें मिस्टर रजनीश कुमार इज इन सेंटर, इज द चेयरमैन। There are four managing directors, right? Dinesh Kumar Khara, Arijit Basu, C.S. Shetty and Ashwini Bhatia. और इसके नीचे जो directors आपको दिख रहे हैं छह, इन सब लोगों को मिलाकर board of directors बनते हैं, जो State Bank of India के बिल्कुल top पर लिए गए decisions के अंदर involved होते हैं। These are those 10 people, 11 people. और ये board of directors हैं, जिसमें चार मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, एक चेयरमैन है और चार डायरेक्टर्स हैं। और ये डायरेक्टर्स जो हैं, वो भारत सरकार और आरबीआई मिलकर अपॉइंट करते हैं। भारत सरकार और आरबीआई मिलकर अपॉइंट करते हैं। इन लोगों के अंदर खूबी ये होती है कि ये बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर से होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं उस सेक्टर के, इकोनॉमिस्ट होते हैं, और इनमें से दो लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सर्विंग ऑफिसर्स होते हैं, चाहे वो आईएएस ऑफिसर्स हों, चाहे वो इकोनॉमिक सर्विस ऑफिसर्स हों, कोई भी जो सेंट्रल सर्विसेज हैं भारत सरकार की, उनमें से कोई एक दो अफसर नॉमिनेट किए जाते हैं जिनको डायरेक्टर बनाया जाता है। चार डायरेक्टर्स जो और होते हैं वो लोग, दे आर द एक्सपर्ट्स इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। अब मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि किसी एक मैनेजिंग डायरेक्टर के बारे में आप मुझे बताइए जिसके बारे में न्यूज आई है। लास्ट सैटरडे को जो ये फोटोग्राफ के ऊपर मैं कर्सर चला रहा हूं, मिस्टर दिनेश कुमार खारा, श्री दिनेश कुमार खारा, ये 7 अक्टूबर से नए चेयरमैन बन जाएंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, क्योंकि मिस्टर रजनीश कुमार रिटायर हो रहे हैं। 6 अक्टूबर को रजनीश कुमार रिटायर हो जाएंगे, 7 अक्टूबर से दिनेश कुमार खारा का अपॉइंटमेंट हो गया है, इंटरव्यूज हो गए हैं, एंड ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू नेक्स्ट चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये इंफॉर्मेशन थी, शायद कोई अखबार नहीं पढ़ता तो उन्हें नहीं पता, बट दिस इज व्हाट द इंफॉर्मेशन वाज। SBI का थोड़ा सा फैमिली ट्री देख लीजिए। अर्स्टवाइल डोमेस्टिक बैंकिंग सब्सिडरीज, हिंदुस्तान के अंदर 2017 तक SBI के कितने बैंक थे? स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला एंड स्टेट बैंक ऑफ ट्रावणकोर। ये 5 बैंक्स थे जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सब्सिडरी एक्ट 1959 के अंडर इसमें आते थे। अब इनका सीधा मर्जर कर दिया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ, इसलिए मैंने अर्स्टवाइल वर्ड मेंशन किया। अब ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही है, अब इस तरीके के कोई 5 बैंक नहीं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हिंदुस्तान के बाहर भी सब्सिडरीज हैं, हिंदुस्तान के बाहर विदेश में भी सब्सिडरीज हैं, और वो हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मॉरिशियस लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कैनेडा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कैलिफोर्निया, कमर्शियल इंडो बैंक LIC मॉस्को, पीटी बैंक SBI इंडोनेशिया, नेपाल SBI बैंक लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोत्सवाना लिमिटेड। और ये इसके अलावा जो है एक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया साउथ अफ्रीका लिमिटेड, PTE साउथ अफ्रीका PTE लिमिटेड भी है, जो साउथ अफ्रीका के अंदर सिचुएटेड है। तो ये कंट्री के हिसाब से वहां पर आपको उनके कानून के अंडर में एक कंपनी खोलनी है अगर, तो उसके हिसाब से यहां पर कुछ नाम उस हिसाब से बनेंगे। ठीक है, जो इंडिया के अंदर नॉन बैंकिंग सब्सिडरीज हैं, ऐसी कहां कहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है जिसमें नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो फाइनेंशियल कंपनी हो, चाहे वो
इंश्योरेंस कंपनी हो, चाहे वो कोई म्यूचुअल फंड कंपनी हो, चाहे वो कार्ड्स की कंपनी हो, तो देखिए कौन कौन सी कंपनी है। SBI कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड, SBI DFHI लिमिटेड, SBI म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, SBI कैप सिक्योरिटीज, SBI कैप वेंचर्स, SBI कैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, SBI फंड मैनेजमेंट लिमिटेड, SBI लाइफ इंश्योरेंस, सबको पता है एड्स बहुत आते हैं, SBI पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड, जो लोग पेंशन में इन्वेस्ट करते हैं थ्रू इंश्योरेंस पॉलिसीज, थ्रू म्यूचुअल फंड्स, तो SBI पेंशन फंड करके एक ऑप्शन आता है, उसकी भी एक कंपनी इन्होंने बनाई हुई। SBI ग्लोबल फैक्टर्स, SBI जनरल इंश्योरेंस, सबको पता है फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस की पॉलिसीज मिलती हैं SBI जनरल इंश्योरेंस से। SBI पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड, SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड, ये कंपनीज बनी हुई है। SBI कार्ड एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसमें SBI क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड्स और गिफ्ट कार्ड्स स्पॉन्सर करती है, तो ये प्योरली SBI की सब्सिडरी कंपनीज हैं जिसमें SBI की 50% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। आप लोगों को जान के ताज्जुब होगा, जो जियो पेमेंट्स एंड सर्विसेज लिमिटेड करके कंपनी है रिलायंस की, जियो पेमेंट्स एंड सर्विसेज, उसमें 30% शेयर्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, मुझे भी नहीं पता था, मैं जब डिटेल्स निकाल रहा था तो आई गॉट टू नो दैट 30% इन्वेस्टमेंट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज देयर इन जियो पेमेंट सर्विसेज, जियो पेमेंट प्लेटफॉर्म है उसमें 30% SBI की इन्वेस्टमेंट, तो ये भी एक जानकारी मैंने आपको दे दी। शेयर होल्डिंग पैटर्न, SBI के जो शेयर्स हैं, जो SBI की पूंजी है वो किसके पास कितनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास 56.92% शेयर्स हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, तो SBI की ओनर एक तरीके से भारत सरकार। 10.94% शेयर्स जो हैं वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स या NRIs के पास, ठीक है, 10.94%। लेट्स नॉट गो इन टू द डिटेल्स ऑफ व्हाट आर FIIs, बट मैं वैसे बता रहा हूं आपको। बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज हिंदुस्तान में जो हैं, उनके पास 10.63% शेयर्स हैं, छोटी छोटी शेयर होल्डिंग है, 1%, 2%, 3%, बहुत सारे बैंक्स हैं जिनके पास 10.63% शेयर्स है। कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, एक बहुत बड़ी कंपनी है सरकारी, उसके पास 13.72% शेयर्स है। और अदर्स का मतलब जो हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो मार्केट से शेयर्स खरीदते हैं, उनके पास 7.79% शेयर्स। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 31 मार्च 2020 को SBI के पास इंडिया में 24,000 प्लस ब्रांचेस है, पूरे इंडिया में 24,000 प्लस ब्रांचेस है, इतनी ब्रांचेस किसी दूसरे बैंक की नहीं। फॉरेन ऑफिसेस 190 है, इंडिया के बाहर 190 ऑफिसेज हैं, किसी दूसरे बैंक की नहीं है जो इंडिया में है। इंडियन बैंक आई एम टॉकिंग अबाउट, जो इंडिया में ओरिजिनेट हुआ वो बैंक, उसकी इंडिया से बाहर इतनी ब्रांचेस नहीं। 249,000 प्लस इसके एम्प्लॉइज हैं, ठीक, ये भी हाईएस्ट है। ATMs, kiosks और CDMs, ये लगभग 59,291 है, शायद इससे भी बढ़ गया हो क्योंकि बहुत तेजी से ATM लगाता है SBI। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा SBI के ATMs हैं, छोटे छोटे स्टेशन के बाहर भी आपको SBI का ATM मिल जाएगा। तो ये उसको बोलते हैं कैश डिस्पेंसिंग मशीन, CDM जो है, पहले एक मॉडल आया करता था, ATM नहीं होता था, वो कैश डिस्पेंसिंग मशीन बोलते थे उसको, तो उसको उन्होंने काउंट किया, अभी भी कुछ जगहों पर लगी हुई है। कोर बैंकिंग ट्रांजेक्शन एक दिन में, डिपॉजिट और विड्रॉल के ट्रांजेक्शन एक दिन में डेली एवरेज 6 करोड़ ट्रांजेक्शन होते हैं, 6 करोड़ ट्रांजेक्शन एक दिन के, ATM ट्रांजेक्शन 90 लाख, एक दिन में ATM ट्रांजेक्शन 90 लाख होते हैं। पूरी कंट्री में जितने ATM ट्रांजेक्शन होते हैं उसका 38%, ठीक। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ग्रुप डेबिट कार्ड होल्डर्स, 20 करोड़ से ज्यादा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के डेबिट कार्ड होल्डर्स हैं, विच इज, अगर आप टोटल डेबिट कार्ड की मार्केट देखिए इंडिया में, जितने लोगों के पास डेबिट कार्ड है कस्टमर्स के पास, पूरे सारे बैंक्स के मिलाकर, उसका 43% इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डेबिट कार्ड्स। इंटरनेट बैंकिंग के यूजर्स 1.77 करोड़ इंडिया में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, मोबाइल बैंकिंग यूजर्स ओवर 1 करोड़। और पॉइंट ऑफ सेल मशीन, आप जाते हैं पेट्रोल पंप पे, दुकानों में काले रंग की मशीन होती है जिसपे आपका डेबिट कार्ड वो पंच करता है या स्वाइप करता है,
और आप पिन डालते हैं और अपना पैसा निकाल लेते हैं या क्रेडिट कार्ड से स्वाइप करते हैं, वो डिब्बे को बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल मशीन। वो लगभग 1.5 लाख के ऊपर पूरे इंडिया में उन्होंने दी, ठीक है। तो ये SBI है एज ऑन 31st March 2020। अब इसका बिजनेस डेटा देखिए, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कितने डिपॉजिट्स हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास, डिमांड डिपॉजिट, सेविंग्स बैंक अकाउंट और टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट का मतलब फिक्स डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट मिलाकर 32,41,000 करोड़ रुपए, अंदाजन 32,41,000 करोड़ का डिपॉजिट है इस वक्त स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास, जो पूरे इंडिया की बैंकिंग सेक्टर का 18% डिपॉजिट है। जितना बैंकिंग सेक्टर के पास है उसका 18% है इनके पास। एडवांसेस, कितने लोन दे रखे हैं इन्होंने, 3,14,000 करोड़ के लोन्स दे रखे हैं, 3,14,000 करोड़ रुपए के लोन्स ले रखे हैं, दिए हुए हैं इन्होंने। और सबसे बड़ा लार्जेस्ट होम लोन प्रोवाइडर है इंडिया के अंदर विद अ मार्केट शेयर ऑफ 26%। होम लोन के अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सबसे ज्यादा लोन्स दिए हुए हैं, 26%। अगर 100 रुपए का लोन इंडिया के अंदर होम लोन में सारे बैंक्स ने मिलकर के दिया है तो 26 रुपए का लोन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दिया है। ऑटो लोन फाइनेंसिंग एंजॉयज अ मार्केट ऑफ 22%, ये भी हाईएस्ट है इंडिया में। व्हीकल लोन, चाहे टू व्हीलर हो, चाहे फोर व्हीलर हो या कमर्शियल व्हीकल लोन, 22% ऑफ द मार्केट शेयर इज विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक। और टोटल एडवांसेस जो ये 3,14,000 करोड़ रुपए हैं, इस ये टोटल मार्केट शेयर का 17% है। मतलब टोटल जितने लोन्स मार्केट में अलग अलग बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से गए हैं उसका 17% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देता है, ठीक है। अब आता है नेट एनपीए। नेट एनपीए इसका मतलब है व्हाट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। जो लोन्स वापस नहीं आते हैं 6 महीने से ज्यादा, 180 डेज से ज्यादा आपको लोन वापस नहीं मिल रहा है, इंस्टॉलमेंट नहीं चुकाई जा रही है, उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट माना जाता है। और ये है पूरे जितना लोन मार्केट के अंदर दिया हुआ है, 3,14,000 करोड़ रुपए जो लोन दिया हुआ है पूरे मार्केट का, उसका 2.75% वापिस नहीं मिल रहा। दिस इज वन अनदर बिग कंसर्न, बहुत बड़ी समस्या है। और उसकी भी एक फिगर है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, काफी अलार्मिंग फिगर है। लगभग आज तक 1955 से लेकर आज तक अगर वो उसको टोटल करें तो लगभग 3,45,000 करोड़ रुपए ऐसे हैं जो लोन की तरह दिए गए और वापस नहीं आए। और लास्ट 5-6 ईयर्स में लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए के लोन ऐसे थे जो दिए गए और वापस नहीं आए। तो इस तरह से उसको नेट एनपीए बोला जाता है। टोटल बिजनेस, अगर आप टोटल उसका बिजनेस देखें कितने रुपए की वर्थ है, तो वो है 26,000 करोड़ रुपए की। रेवेन्यू साल भर का 2019-20 का रेवेन्यू 3,00,000 करोड़ रुपए का, और नेट इनकम सब कुछ घटा के टैक्स वगैरह पे करने के बाद लगभग 11,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट ये बैंक कमाता है। 11,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट लास्ट फाइनेंशियल ईयर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को हुआ। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज CSR में करती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें वो हिंदुस्तान के नीडी, पुअर, लास्ट, लीस्ट एंड लोएस्ट आदमी को सपोर्ट करने की कोशिश करती है, जिससे वो प्रॉफिट नहीं कमाती है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है दोज एक्टिविटीज थ्रू विच यू डू नॉट ट्राई टू अर्न प्रॉफिट्स, ठीक है। और 1% अपने प्रॉफिट का उन्होंने ईयरमार्क कर रखा है हर साल, वो उस प्रॉफिट का 1% स्पेंड करते हैं CSR पर। तो 11,000 करोड़ रुपए का 1% वो स्पेंड करेंगे CSR पर। क्या क्या करते हैं, एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं, हेल्थ केयर को, पुअर एंड अंडर प्रिविलेज को असिस्टेंस देते हैं, ठीक, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के बारे में काम करते हैं, जैसे पेड़ लगाना, राइट, सोलर एनर्जी पर ट्रांसफॉर्मेशन का काम करना, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम फ्री में करते हैं, जो एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको एक फंड बना रखा है उन्होंने जिसमें से ये उनको लोन देते हैं। असिस्टेंस ड्यूरिंग नेचुरल कैलामिटीज लाइक फ्लड्स एंड ड्रॉट्स, उसमें ये दान देते हैं भारत सरकार को और अलग अलग भारत सरकार की एजेंसीज को ताकि वहां पर काम हो सके। सो दे डू नॉट अर्न प्रॉफिट बाय डूइंग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटी।